नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, पेज नंबर 38 पे। अब पेज नंबर 38 पे भी उसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं लिटिल स्माइल, अ लिटिल वर्क। अब यहाँ पे स्माइल एंड वर्क आर अनकाउंटेबल्स, अ फ्यू पीपल, अ फ्यू चेयर्स, पीपल एंड चेयर्स आर काउंटेबल्स। इस तरह से एग्जांपल दिए हुए हैं कि लिटिल हम कैसे लगाते हैं और फ्यू हम कहाँ लगाते हैं। अब दूसरा है मच और मैनी। तो मच और मैनी का भी यूज़ इसी तरह से होता है। मच एंड मैनी ऑल्सो कन्वेज द सेम आइडिया, यानी वो भी सेम आइडिया हमें देते हैं। बट मच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, एवेरस मैनी इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी का काम करता है और मैनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जगह पर आता है। जैसे मच हेल्प, मच वर्क। अब यहाँ पे हेल्प एंड वर्क आर अनकाउंटेबल्स, यानी कितनी किसकी हेल्प करी है, किस मात्रा में या कितना काम कौन सी मात्रा में किया है, वो अनगिनत होता है। लेकिन मैनी गर्ल्स मैनी बुक्स, यानी बुक्स और गर्ल्स की तो गिनती हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल्स हो गए। अब उसके बाद आपका एक्सरसाइज डी है, वो आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। एक्सरसाइज ई है, वो भी आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, तो नीचे दिया हुआ है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। रीड दिस सेंटेंसेस। दिस बाइक इज राहुल्स, ये बाइक राहुल की है। इट टेल्स अस विच बाइक, अब ये बता रहे कौन सी बाइक। आई कैन सी दैट मैंगो ट्री, मैं वो मैंगो ट्री देख सकती हूँ। तो इट टेल्स अस विच मैंगो ट्री, यानी वो बता रहे कौन सी मैंगो ट्री। द वर्ड्स दिस एंड दैट आर एडजेक्टिव सिंस दे डिस्क्राइब बाइक एंड ट्रीज रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे दिस और दैट जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो बाइक और मैंगो ट्री के बारे में हमें डायरेक्टली समझा रहे हैं। द वर्ड दिस पॉइंट्स आउट विच बाइक इज राहुल, दिस जो है वो बता रहा है कौन सी बाइक राहुल की है। और जबकि दैट क्या बता रहा है कि कौन सा ट्री, यानी कौन सा मैंगो ट्री।